बात कर रहे हैं हम राजस्थान के अजमेर की, जहां एक गैस टैंकर और ट्रेलर की आपस में टक्कर हो गई और हादसा इतना जबरदस्त था कि इसमें चार लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद दोनों ही गाड़ियों में आग लग गई, कई दुकानें भी इस आग की चपेट में आ गई। आपको बता दें, ये पूरी घटना कल देर रात की है और इस वक्त हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हर्षा, ये घटना कैसे घटी, क्या हुआ था, क्या ये संख्या और बढ़ भी सकती है, चार लोगों की जान गई है इसमें? देखिए, एक अजमेर हाईवे पे जो रानी राव बाग रिजॉर्ट है उसके पास ये हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि गैस टैंकर और ट्रक के ट्रेलर में एकदम से हेड ऑन कोलिजन हुआ है, जो जिसमें तीन लोग तो जिंदा जल गए, चार लोग गंभीर रूप से घायल है इसमें। और फिर क्योंकि वो उसमें गैस था तो वो टैंकर में आग लग गई और 500 मीटर तक सड़क और आसपास के क्षेत्र में आग फैल गई। और इस पर इसकी वजह से एक दोपहिया वाहन ऑल्सो उसमें आ गए चपेट में और इसलिए ये हादसा हुआ है। करीब 10 से ज्यादा मकानों में आग लगी है और ये लोग कोई जो गैस का टैंकर और मार्बल पत्थर लेके जा रहे थे, ट्रेलर लेकर जा रहा था, उसकी वजह से हुआ है ये। बिल्कुल अर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यहाँ पर अगर आप बता पाए जो घायलों की संख्या आप बता रही हैं, चार है गंभीर रूप से घायल, उनकी फिलहाल हालत कैसी है, कहाँ इलाज चल रहा है और इसमें जो मौत है वो तीन लोगों की हुई है या चार लोगों की? जी, इसमें जो मौत है अभी तीन जो लोग हैं वो तो वहां पर जिंदा जल गए हैं और चार जो लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं इस कारण से। और ये क्योंकि आसपास में जो आग लगी है घरों में, वहां पर बता रहे हैं कि किसी को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो ये चार लोग जो इसमें साथ में, जिनके साथ मतलब तीन तो मैंने जैसे आपको बताया कि वो जिंदा जल गए थे और चार लोग और जो आगे इसमें घायल हुए हैं उनकी हालत गंभीर है, उसमें अजमेर में इनका इलाज चल रहा है। जी हर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।